नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि राम नाम का सुमिरन करने से इंसान के कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और इंसान अपने जीवन में हर तरह के सुख भोग करके स्वर्ग को प्राप्त करता है। दोस्तों, इसलिए तो कहा जाता है कि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में अगर आपके सपने में स्वयं राम जी आकर के आपको दर्शन देते हैं तो आखिरकार इसका क्या मतलब होता है और इसका आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर एक, दोस्तों, अगर आप लोग अपने सपने में राम मंदिर देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आप लोग अपने आने वाले समय में हर तरह की परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। आपके जो कार्य सालों से अटके हुए हैं, आने वाले समय में वह सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। अगर आप लोग अपने जीवन में किसी भी गंभीर समस्या में फंसे हुए हैं तो अब वह समस्या आने वाले समय में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, यह सपना इस बात का संकेत होता है कि आने वाले समय में आप लोग सभी तरह की कष्ट और परेशानियों से मुक्त होने वाले हैं। नंबर दो, दोस्तों, अगर आप लोग अपने सपने में श्री राम जी के दर्शन करते हैं तो इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। आप लोग अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं और आप लोग अपने जीवन में जिस लक्ष्य को निर्धारित करेंगे आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। नंबर तीन, दोस्तों, अगर आप लोग अपने सपने में राम मंदिर देखते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को राम जी के दर्शन भी हो जाते हैं तो यह सपना आपके लिए बेहद ही अच्छा और शुभ फल देने वाला होता है, जिसका अर्थ होता है कि आने वाले समय में आप लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छा घटित होने वाला है जो कि आपके पूरे जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। नंबर चार, दोस्तों, अगर आप लोग कोई ऐसा सपना देखते हैं जिस सपने में आप लोग श्री राम जी के नाम का जप कर रहे होते हैं तो यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आप लोग किसी कठिन कार्य को करने वाले हैं, जिस कार्य में आप लोगों को जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी और इस कार्य में आपकी स्वयं भगवान श्री राम मदद करने वाले हैं। इसीलिए आपको इस कार्य को करते समय किसी भी प्रकार की चिंता और भय की टेंशन नहीं लेनी है।